इंडिया के बहुत अच्छे चांस है क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि उनके पास टीम अच्छी है, सारे बैलेंस अच्छा है, ऑप्शंस है बहुत, तो अगर अच्छा खेलते हैं तो जीतने का ज़रूर अच्छा मौका है। पहला एम आपका होता है क्वालिफाई करना सेमीफाइनल्स में, एक बार आप वो कर लेते हो तो आपको दो अच्छे दिनों की ज़रूरत होती है। तो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में इंडिया का परफॉर्मेंस वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा है, तो आई बी वेरी सरप्राइज अगर वो वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले तो। सर अगर लास्ट दो गेम की बात करते हैं तो वार्म अप गेम्स की अगर बात करते हैं तो एक इंडिया हारा है पूरी तरीके से और एक जो है वो जीता है बांग्लादेश के खिलाफ, तो वार्म अप मैच को देखिए क्या लगता है किस तरीके से इंडिया प्रिपेयर है? आई थिंक वार्म अप मैच के लिए आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आप देखते हो कि आपके बेस्ट 11 क्या है, प्लेयर्स थोड़े फॉर्म में, दो दिन पहले गए थे आई थिंक न्यूजीलैंड गेम के पहले इंग्लैंड और उसके बाद गेम खेले थे, तो आई थिंक और टाइम है पहले मैच तक, तो और एक्सपीरियंस टीम है, इंग्लैंड में पहले खेल चुके हैं, तो ज़्यादा वार्म अप गेम्स पे ध्यान देना नहीं चाहिए, जो पॉजिटिव्स वो लेने चाहिए। तो धोनी की फिटनेस को लेकर काफ़ी सवाल उठाया गया है स्पेशली कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्म किया है क्या लगता है धोनी की फिटनेस को देखकर और किस तरीके से कितने प्रिपेयर हैं? तो आई थिंक मुझे लगता है धोनी के फिटनेस के बारे में कभी किसी के सवाल नहीं थे, आई डोंट थिंक एक ऐसे खिलाड़ी है जो हमेशा फिट रहे, आई थिंक उनका पूरा गेम बिल्ड हुआ है रनिंग बिटवीन विकेट्स, और खास करके जब गेम को इतना विकेट कीपर या कप्तान भी थे उसके बाद बैटिंग करते थे, बहुत कम गेम्स उन्होंने अपने करियर में मिस किए, तो आई डोंट थिंक उनके फिटनेस पे कभी कोई क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन जो उनका इंटेंट देखा है रिसेंटली IPL में और इस वार्म अप गेम में बड़े शॉट्स लगाने का, वो बहुत अच्छा पॉजिटिव है भारत के लिए।